नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट बॉन्डर में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं कुलदीप फाइन आर्ट, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं कैनवस पेंटिंग के। स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फोन नंबर, इस जगह की सारी डिटेल मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहां पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। बात करेंगे यहां के ओनर से और जानेंगे किस तरह की पेंटिंग्स हैं यहां पे, क्या रेंज है, होलसेल रिटेल किस तरह का काम है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो बात करते हैं और जानते हैं, सो लेट्स गो। दोस्तों, कुलदीप फाइन आर्ट से मेरे साथ हैं मिस्टर कुलदीप जी, जो कि ओनर हैं यहाँ के। बात करते हैं सर से और जानते हैं इनकी जगह के बारे में। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं जानना चाहूँगा आप लोग कब से काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं काम तो 16-17 साल से कर रहा हूँ पेंटिंग का ये, और हर तरह की कस्टमाइज पेंटिंग बनाते हैं। मेनली हम करते हैं पोर्ट्रेट को फोकस करते हैं, जो बाकी कस्टमाइज कुछ भी बनाना हो, कोई भी साइज हो, जैसे बनारस घाट, लैंडस्केप, मॉडर्न आर्ट, किसी भी तरह की पेंटिंग हो, सब तरह की छोटे से लेके बड़े से बड़े साइज में हम बनाते हैं। जिसमें रेंज का तो देखो कुछ ये नहीं, 2000 रुपये से स्टार्ट है और अब लाख तक जाती है हमारी पेंटिंग का रेंज जो है, वो डिपेंड करता है क्या पेंटिंग है, क्या साइज है, क्या सब्जेक्ट है। जितना डिटेल वर्क होगा उतना प्राइजेस ज़्यादा रहते हैं हमारे। ठीक है, होलसेल रिटेल दोनों तरह का काम है आपका? हाँ, हम दोनों को प्रोवाइड कराते हैं, होलसेलर भी हमसे लेते हैं, रिटेलर भी लेते हैं, कस्टमाइज भी बनवाते हैं हमारे से, सब तरह का काम करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में आपकी पेंटिंग्स मिल जाती है, और क्या जो फाइनल पेंटिंग मिलेगी फिट करके मिलती है बोर्ड के साथ, या फिर वो सिर्फ रोल प्रोवाइड कराते हैं आप लोग? नहीं, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं हमारी पेंटिंग। आप हमारे यहाँ पे आके अपना साइज, अपनी डिटेल बता के ही बनवा सकते हैं। बाकी फ़ोन पे आप हमें ऑर्डर देके, जो भी आजकल काम जो फ़ोन पे ही होता है हमारा, वो फ़ोन पे हमें व्हाट्सअप कर देते हैं फ़ोटो की ये बनानी है, हम उनको रेट बता देते हैं, वो बना लेते हैं। बाकी वैसे हमारी ज़्यादातर पेंटिंग रोल फॉर्म में जाती है, और जिसको फ्रेम करवा के देना है तो उसको फ्रेमिंग का चार्ज एक्स्ट्रा रहता है, हम पेंटिंग का चार्ज लेते हैं फ्रेमिंग, क्योंकि हम भी बाहर से कराते हैं, हम खुद नहीं करते, बिकॉज हम आई एम आर्टिस्ट। तो और उसके बाद जो हमारा शिपिंग चार्ज रहता है, जैसे यहाँ से हमने दिल्ली से बाहर गई, दिल्ली में शिपिंग चार्ज हम कुछ लेते नहीं है, दिल्ली से बाहर नोएडा, गुड़गांव, जहाँ भी कहीं जाती है, उससे भी बाहर कहीं जाती है, उसका हम चार्ज लेते हैं। कुलदीप जी, बातचीत तो इसी तरह से चलती रहेगी। मैं चाहूँगा जो आपने पेंटिंग्स बनाई हैं वो हम दिखाते हैं, उसकी प्राइस रेंज और उसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत इससे करते हैं, कुछ बताइए इसके बारे में, इस पेंटिंग के बारे में कुछ डिटेल दीजिए। देखिए, ये मेरी बहुत मशहूर पेंटिंग है, इसका नाम है बनारस घाट पेंटिंग। तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल हुई हुई है। साइज है इसका 36x48 इंचेस, 36-48 की ये पेंटिंग है, पर अक्रैलिक और कैनवस पे बनी हुई पेंटिंग है, और इसको बनाने में मेरे को कम से कम एक हफ्ता लगता है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की जो पेंटिंग है वो कितने तक चली जाती है? इस तरह की पेंटिंग में 40-50 हज़ार रुपये में मेरी एक पेंटिंग जाती है इस साइज के अंदर, और इससे बड़ा साइज लेते हैं तो और रेंज आएगी, इससे छोटा साइज लेते हैं तो रेंज कम हो जाती है हमारी जी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी पेंटिंग आ रही है उसके बारे में बताइए। ये देखिए, ये पंचमुखी हमारे गणेश जी की पेंटिंग है जी। ये अक्रैलिक ऑन कैनवस बनी हुई है, और ये काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है, लोगों को बहुत पसंद आती है ये। ठीक है, ये साइज क्या रहने वाला है इसका? इसका साइज 39x39 है, मीटर बाई मीटर की एक पेंटिंग है। एक्स्ट्रा मार्जिन इसके अंदर छोड़ा होता है हमने फ्रेमिंग के लिए। अच्छा। कि कोई इसको जब फ्रेम कराता है तो एक्स्ट्रा मार्जिन 2-2 इंच चारों तरफ होता है इसके अंदर। तो प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो कितने तक जाती है इस तरह की पेंटिंग्स? ये पेंटिंग उससे सस्ती है, ये हमारी 8-9 हज़ार रुपये में पेंटिंग हम रेडी दे देते हैं विदाउट फ्रेम। अच्छा, अगर फ्रेम कराते हैं तो उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, डिपेंड पर करता है किस तरह की फ्रेमिंग आप लगा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब कौन सी पेंटिंग आ रही है और उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानना चाहूँगा। देखिए, ये भी मेरी बहुत अच्छी पेंटिंग है, ये राधा कृष्ण पेंटिंग है। तो इसमें राधा कृष्ण रासलीला करते हुए दिखाए गए हैं, और इसका साइज है 36x48 इंचेस, और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इसके अंदर सारा स्टॉक वर्क काम है। आप प्राइस रेंज क्या रहने वाला है इसका, और इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है वो जब आउट ऑफ स्टेट जाती है, ठीक है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती उसमें? नहीं, देखिए कैनवस पेंटिंग है, इसको हम रोल फॉर्म में कहीं भी भेज देते हैं, मेरी जाती रहती है पेंटिंग, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कुछ भी ना गीला होने से कुछ होना इसके अंदर, ना टूटेगा ना फूटेगा। जब बाहर जाती है तो हम इसको रोल फॉर्म में देते हैं, क्योंकि फ्रेमिंग टूट फूट सकती है, तो हम इसको रोल फॉर्म में देते हैं अच्छे से पैकिंग करके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। प्राइस की मैंने बात करी, इसका प्राइस जो हमारा जाता है 12-15 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। ये साइज है 36x48 इंच। सर, ये तो बड़ी साइज़ की पेंटिंग्स हो गई, अब मैं बात करना चाहूँगा पोर्ट्रेट्स के बारे में, जो आपका पोर्ट्रेट का आर्ट है वो मैं देखना चाहूँगा, तो स्टार्ट करें।
हाँ ये देखिए पोर्ट्रेट में भी है ना, मैं कपल पोर्ट्रेट्स बनाते हैं ये ये कपल पोर्ट्रेट देख रहे हैं आप ये वाला, ये तो इसमें दो तरह के पोर्ट्रेट बनते हैं, एक जिसमें बैकग्राउंड प्लेन लगता है, एक जिसमें फोरग्राउंड सब कुछ होता है। तो दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं है। जो आप ये देख रहे हो इसका साइज 2x3 है, ये 2 फिट बाई 3 फिट में बनता है। इसका चार्ज जो है हम 8 से 10 हज़ार पे चार्ज करते हैं कस्टमर से है। वो बाकी डिपेंड करता है कितना डिटेलिंग है, उनकी ड्रेसेस में कितना काम है, जिनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कपल है लड़की ने ड्रेसेस पहनी है लहंगा वगैरह तो उसके अंदर ज़्यादा आर्ट वर्क है तो उसके हिसाब से हम और चार्ज होता है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट देखने के बाद हमारे को, स्टार्टिंग 8 से 10 हज़ार पे है। कितना टाइम लेते हैं आप इस तरह के पोर्ट्रेट बनाने का? पोर्ट्रेट के लिए हम कस्टमर से 5 से 7 दिन मांगते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है हम उससे पहले ही दे देते हैं उनको। ठीक है, इसके बाद कौन सी आर्ट आने वाली है और कौन सी पोर्ट्रेट है ये? उसके बाद आप ये पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये लेडी का पोर्ट्रेट है। आप ये देखेंगे इस तरह के पोर्ट्रेट हम जो है 4 से 5 हज़ार रुपये में बनाते हैं। ये साइज छोटा है, 18x24 इंचेस, 1.5 फिट बाई 2 फिट का पोर्ट्रेट है ये। ठीक है, और इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ये 3 से 4 दिन के अंदर कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं इस तरह के बोर्ड। गिफ्टिंग ऑप्शन अच्छे हैं वैसे आपके पास ये? बिल्कुल, ये ज्यादातर आजकल ये गिफ्ट के लिए ही सब एक दूसरे के लिए बनवाते हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग है, लोग अपने पोर्ट्रेट बनवा के कस्टमर को दिया करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद और कौन सी? ये आप देखेंगे इंडियन लेडी पेंटिंग है मेरे पास, ये भी पोर्ट्रेट पेंटिंग है। तो ये भी मेरी 3 से 4 दिन में हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। 2x3 का इसका साइज है, इसका चार्ज ज्यादा नहीं है, 6 से 6.5 हज़ार रुपए की पेंटिंग है हमारे यहाँ। ओके, और इस तरह के आर्ट आपके अपने खुद के हैं या कहीं से इंस्पायर्ड हैं? नहीं नहीं, ये सारे आर्ट मेरे खुद के हैं, कोई जो इंस्पायर वाले होते हैं वो मैं अभी ऐसे वो नहीं पब्लिक नहीं करता। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा मेरा खुद का आर्ट है ये। ठीक है, शेल्फ लाइफ इसकी कितनी है और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये ख़राब ना हो? देखिए ये कैनवास पेंटिंग है, इसके अंदर कुछ भी ख़राब नहीं होता। इसको 100 साल भी आप ठीक से रखेंगे तब भी इसके अंदर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये एज इट इज़ रहेगी आपकी पेंटिंग। ना इसको आपको किसी चीज़ से साफ़ करने की ज़रूरत है, धूल मिट्टी लग जाती है कपड़े से साफ़ हो जाती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इसके बाद कौन सा आप आर्ट दिखाने वाले हैं? इसके बाद मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाता हूँ। ये हमारी फेरी पेंटिंग है, ये काफ़ी मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में है और ये सारी नाइफ से बनाई जाती है पेंटिंग। ये स्पैचुला से यूज़ किया जाता है इसके अंदर और ये भी मेरा खुद का आर्ट है, कोई कॉपी वर्क नहीं है किसी का। और इसके अंदर मैं 2-3 कलर के अंदर हम बनाते हैं इसको। अच्छा। इसी सब्जेक्ट को हम 2-3 कलर में बनाते हैं, साइज़ इसके 2x3, 3x4 सारे साइज बनते हैं और ज़्यादा रेंज भी नहीं है इसकी, 3500-4000 की रेंज में हम आपको 2x3 की पेंटिंग दे देते हैं इसको। बहुत बढ़िया, इसके बाद सर क्या आ रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा? उसके बाद और मेरे पास ये फेरी डांसिंग म्यूजिशियन पेंटिंग है, तो इसमें 2-3 म्यूजिशियन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये सारे 2x3 के साइज़ है हमारे, तो इसके अंदर 3-4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आप ये दिखा सकते हैं उनको। और इनकी प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो तीनों की अलग अलग प्राइस रेंज है या क्या? म्यूजिशियन जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे एक ही रेंज में 3-3.5 हज़ार की रेंज में है। बाकी आप कस्टमाइज कैसा भी बनवाना चाहते हैं, साइज कोई भी साइज बड़ा छोटा बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। इसके बाद अब क्या देखने को मिलने वाला है? ये इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये राजस्थानी हमारा इंडियन विलेज पोर्ट्रेट होते हैं और ये हमारे राजस्थान के हमारे जो दुकानदार है वो हमसे कस्टमाइज बनवाते हैं और ये रेगुलर मेरे वहाँ पे जो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं ये वो ज़्यादा सेल करते हैं और वहाँ के अजमेर में जाता है हमारा, जयपुर वयपुर सब जगह जाते हैं और बहुत यूनिक आर्ट है ये, आप देखोगे तो आपको बहुत रेयर दिखेगी ये। इसके इसके कलर और इसके स्टॉक जो देखेंगे आप, बहुत यूनिक आर्ट है ये भी। डिटेल की अगर मैं बात करूं तो डिटेल तो बहुत प्यारी है इसकी, बट प्राइस किस हिसाब से है वो भी बता दीजिए। इसके प्राइस ज़्यादा नहीं है, वही 3-3.5 हज़ार की रेंज में हमारे को, हम आपको ये छोटा साइज 18-24 का साइज बनाते हैं जो ये बनाते हैं है। और कस्टमाइज आपने बड़ा साइज बनवाना है कभी 2x3 भी बनता है हमारा इसमें साइज, 2x3 के साइज में भी हम ये आपको दे देते हैं 4500-5 हज़ार की रेंज में। ये सारा मैंने विदाउट फ्रेम आपको प्राइस बताया है, फ्रेमिंग का चार्ज एक्स्ट्रा जो भी होगा वो हम अलग से लगाते हैं। तो ये होलसेल का है, रिटेल का प्राइस है वैसे? ये मैंने आपको जो दिया है, हाँ एंड टू कस्टमर को, हाँ बिल्कुल। जो होलसेलर क्वांटिटी बल्क पे आपसे चीज़ें करवाता है उसकी किस हिसाब से प्राइसिंग होती है? देखिए अगर कोई बल्क में हमारे से बनवाना चाहे तो उसको रेट हम अलग देते हैं, वो फ़ोन करके या आपसे बात करके जैसे भी मिल सकते हैं हमारे से। और काफ़ी स्टॉक है मेरे पास, अगर चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, हर तरह की पेंटिंग का मेरे पास काफ़ी स्टॉक है, मैं दिखाऊंगा। और जो अगर बल्क में लेने वाले हैं तो उनको अच्छा रेट मिल जाएगा।
सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा, मिलूंगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।